दोस्तों हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स हमारे शरीर में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हार्मोन्स के असंतुलन होने से क्या कुछ प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती हैं और उन्हें किस तरीके से हम अपने शरीर में बैलेंस कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर बात की है। और इन वीडियोज़ के अंदर हमने जाना कि किस तरीके से बहुत थोड़ी सी मात्रा में होने वाले हार्मोन्स हमारे बड़े से शरीर को चलाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन सभी हार्मोन्स में सबसे ज्यादा जो पावरफुल हार्मोन है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मतलब जिसको कि HGH कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल हार्मोन है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए जवान बनाए रख सकता है। और इसी हार्मोन को अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा बनने के लिए मोटिवेट करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। जितने भी जिम गोअर्स होते हैं, मतलब कि जितने भी जिम जाने वाले लोग होते हैं, योगा आसन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, प्राणायाम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं या फेस योगा को जितने लोग फॉलो करते हैं, इन सभी के पीछे एक ही मकसद होता है, अपने शरीर में HGH को बढ़ाना। क्योंकि यही वो हार्मोन है जो हमारे शरीर की जो पुरानी कोशिकाएं हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई हैं या जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं, उन सबको हटा करके नई कोशिकाओं से रिप्लेस करता है। और जितनी ज़्यादा नई कोशिकाएं हमारे शरीर में होंगी उतना ज़्यादा यंग और यूथफुल अप्योरेंस और यूथफुल फीलिंग हमारे अंदर होने वाली है। और उसका असर ना सिर्फ हमारे एनर्जी लेवल पर आएगा बल्कि उसका असर हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन पर और हमारे बालों पर भी आता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे उन 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम हमारे शरीर में HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं और ये हार्मोन हमें हमेशा यूथफुल अपीयरेंस देने में हमारी मदद करता है। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो फूड आर्टिकल नंबर 1 जो आता है इस लिस्ट के अंदर वो आते हैं मशरूम्स। मशरूम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से ये हमारे शरीर में जा करके HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रवोक करता है और साथ ही साथ जितने दूसरे हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं उन सभी को बैलेंस करने में, उन सभी को संतुलित मात्रा में बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हफ्ते में एक बार नहीं तो कम से कम 2 बार अपने रूटीन में हम मशरूम्स को ऐड करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मशरूम सूट नहीं करते होंगे या वो मशरूम से एलर्जिक होंगे, तो वो इस प्रयोग को नहीं करेंगे। बाकी जितने भी मैं प्रयोग आपको बताऊंगा आप उन पर शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग आता है दोस्तों वो एक नेचुरल हर्ब है और ये हर्ब बहुत बर्फीली जगहों पर मिलती है। आजकल तो पूरी दुनिया भर में बहुत आसानी से मिलने लगी है क्योंकि प्रोसेस करके और अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स के द्वारा इसे दुनिया के हर एक हिस्से में पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे स्किन में जो कॉलेजन चाहिए या जो हमें इलास्टिसिटी चाहिए उसका प्रोडक्शन भी ये हर्ब बढ़ाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिबकथॉर्न बेरी पाउडर के बारे में। सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है ये इतना ज़्यादा पोटेंट और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये हमारे शरीर के अंदर जैसे ही जाता है पहले ही दिन से हमारे शरीर में HGH को बढ़ाने लगता है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिमालय वाला क्षेत्र या फिर सियाचिन वाला या हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर सिबकथॉर्न बेरी उगती हैं और इस सिबकथॉर्न बेरीज को ड्राई करके, इनको क्रश करके, इनका पाउडर बना करके हमें दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल लगातार करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। 1 चम्मच मतलब लगभग 5 से 7 ग्राम अगर हम सिबकथॉर्न बेरी पाउडर रोज खाते हैं तो उसका इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसे रात को सोने से पहले 1 चम्मच ले लीजिए गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में और सो जाइए और अगले ही कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आएगा क्या सर हम इसे कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। दोस्तों एक पर्सन के लिए एक दिन की जो डोज है वो 5 से 7 ग्राम है जो किसी भी कैप्सूल या टैबलेट से पूरी नहीं हो सकती है। सो मेक श्योर आप इसे पाउडर फॉर्म में ही लें। मैं इसे अमेजोन से परचेज करने का लिंक आपको दे दूंगा जहाँ पर जाकर के आप इसे थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। तीसरे अगर हम टिप की बात करें या तीसरे अगर हम फूड आइटम की बात करें तो वो आता है पंपकिन सीड मतलब कद्दू के हरे हरे बीज।
कद्दू के अंदर बहुत सारा सेलेनियम होता है और ये सेलेनियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे शरीर में HGH मतलब कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने में या उसे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। सो लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मतलब कि लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास अगर हम पंपकिन सीड्स रोज खाते हैं बिना रोस्ट किए कच्चे ही तो ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसे किसी भी समय खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फूड आर्टिकल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आम। आम जो है वो हालांकि एक सीजनल फ्रूट है लेकिन क्योंकि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे 12 के 12 महीने आम मिलता है, इसके अंदर भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने की, उसे बढ़ाने की ताकत होती है। आप किसी भी वैरायटी का आम ले सकते हैं और हर रोज अगर आप 150 से 200 ग्राम आम का कंजप्शन करते हैं तो इससे आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है और आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपकी बॉडी को एजलेस बनाए रखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फूड आर्टिकल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो आता है दही। दही के अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है और ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है जिसकी वजह से सारे के सारे हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और स्पेसिफिकली HGH मतलब कि जो हमें स्पेसिफिकली यूथफुल अपीयरेंस देने वाला हॉर्मोन है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हमारा शरीर यूथफुल अपीयरेंस के साथ साथ एनर्जेटिक भी अनुभव करता है। तो दिन में 2 बार 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को मतलब 150 ग्राम्स आपको टोटल 300 ग्राम्स अगर आप एक अडल्ट हैं तो आपको दही खाना चाहिए और ये दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा या पुराना दही नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि 5 आइटम्स में से आप किन्हीं भी 2 आइटम्स को अपने रूटीन में जरूर शामिल करेंगे और अगले 3 महीने में लगातार इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर मिलने वाले हैं। दोस्तों आपका प्यार आप जिस तरीके से हमें देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं। लेकिन साथ के साथ चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं कॉलेजन के बारे में, स्किन के बारे में, हेयर के बारे में एंड हेल्थ के बारे में, मेक श्योर आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा और चेकआउट करने के बाद उन्हें शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।